जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे उच्च परिवार में। विशेष करके साधक वर्ग के लोग और नए साधक, तो खास करके जो 3 महीने 6 महीने तक साधना कर लेते हैं, उनके भीतर यह जिज्ञासा काफ़ी प्रबल हो जाती है कि क्या हमारे साथ कोई दिव्य शक्ति है अथवा नहीं, तो किस प्रकार से हम यह जाने। आज आप सभी के समक्ष बिल्कुल 3 मूलभूत ऐसी बातें रखेंगे जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के साथ मूलतः नहीं घटित होती है, बल्कि वैसे ही लोगों के साथ घटना घटित होती हैं जिनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिव्य शक्ति जुड़ गई हो, उनके अस्तित्व के साथ कहीं ना कहीं कोई दिव्य ऊर्जा जो है आना आरंभ करती है, तभी यह चीज़ें उनके साथ होती हैं। वो कौन सी बातें हैं, उन्हें आगे हम जानेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सिद्ध साबरी विद्या नामक यूट्यूब चैनल का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी वहां अवश्य हमारे साथ जुड़ें। सबसे पहले जब भी हम किसी भी साधना को आरंभ करते हैं तो साधना काल में, साधना के समय में हमारे मन में किसी भी एक देवता के प्रति बहुत अधिक निष्ठा और सम्मान होता है, उनके प्रति समर्पण होता है, और उसके पीछे का कारण जो होता है कहीं ना कहीं उस देवता से संबंधित किसी घटना के वर्णन के प्रभाव के कारण होता है। जरूर हमने कहीं सुना होगा कि फलाना व्यक्ति जो था भगवती की इस स्वरूप की सेवा किया करता था और उसके प्रभाव से उन्होंने इस प्रकार की विजय प्राप्त की, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त किया, अथवा जो भी उसके कारण हमारे मन में कहीं ना कहीं यह चीज आता है कि मैं भी भगवती के स्वरूप की सेवा करूंगा समर्पण के साथ में। यानी कि दूसरे साधक का अनुभव, उनका जीवन हमारे लिए, हमारे साधना के क्षेत्र में मोटिवेशन का काम करता है। अब जब हम इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरों को ही सुनकर यह लगता है कि अरे फलाना व्यक्ति को इस प्रकार के अनुभव होते हैं और वो बोलता है कि हमारे साथ किसी न किसी प्रकार की शक्ति है, तो क्या मेरे साथ तो कोई दिव्य शक्ति है अथवा नहीं, इसे हम किस प्रकार से जानेंगे, और क्या वास्तव में ऐसा है अथवा नहीं है, इसे किस प्रकार से जानना चाहिए कि हमारे साथ कोई दिव्य शक्ति चलती है अथवा नहीं चलती है, अगर हाँ तो कौन सी शक्ति चलती है। सर्वप्रथम इस बात को पूरे तरीके से समझ लीजिए, सही तरीके से समझ लीजिए कि दिव्य शक्ति का अर्थ एक सामान्य व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति, और जिस स्तर में हम सभी अभी जी रहे हैं उस स्तर के अनुसार सिर्फ और सिर्फ भगवती या महादेव या जितनी भी महाशक्तियां हैं उन सभी के कोई लोक गण या शक्ति से को लेकर के कहा गया है, न कि आपके साथ साक्षात सदाशिव चलेंगे। अगर साक्षात सदाशिव चलना शुरू कर दिए, महादेव चलना शुरू कर दिए, तो उस स्तर की भक्ति इतनी अधिक होगी कि आपको यूट्यूब पर इन सभी विषयों को सोचने की खोजने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो स्तर ही अलग होता है। लेकिन एक सामान्य शुरुआत तो कहीं ना कहीं छोटे से ही होती है, जब हम यहाँ से आरंभ करेंगे तो ही तो मनोबल इतना बढ़ेगा कि एक समय ऐसा आएगा कि भगवान महादेव भी हमारे ऊपर उस प्रकार से कृपा करेंगे, पूर्ण सक्षमता के साथ में हमें भी सक्षम बनाएंगे। तो इसलिए इस विषय को सर्वप्रथम समझिए, किस प्रकार से आप समझेंगे। सबसे पहला चीज यह है कि आप अगर किसी भी देवी देवता की साधना उपासना कर रहे हैं, उनकी कृपा अगर आपके ऊपर रहेगी, तो आप कभी भी रामनवमी का समय देखिए, जो अखाड़ा क्षेत्र इत्यादि लगता है, शिवरात्रि के समय में, श्रावण के महीने में, या अन्य जैसे अम्बुबाची का पर्व इत्यादि हुआ, इस प्रकार के जितने भी तंत्र के अखाड़ों का जो समय होता है, आप उस समय में किसी भी अखाड़ा क्षेत्र में चले जाइए। जिस अगर आपको इस चीज को परखना है, या फिर जाने अनजाने में भी आप देखिए अपने जीवन की इस घटना को देख लीजिए कि कभी भी आप अखाड़ा क्षेत्र में जाइएगा, वहाँ पे आप देखिएगा कि व्यक्ति विभिन्न, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अगर कोई साधक हैं तो भी, या सामान्य व्यक्ति है तो भी, उसके ऊपर कोई चीज़ आ जा रही है, कोई वो खेलने लग रहा है, उसको कुछ परेशानी होने लग रही है, कोई रोने लग रहा है, कोई चिल्लाने लग रहा है। लेकिन आप कभी भी ऐसे तंत्र के क्षेत्र में चले भी जाएंगे जहाँ काफ़ी अधिक ऊर्जाओं का उथल पुथल मचा हुआ है, अखाड़ा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन का क्षेत्र होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो यह जो समय होता है और जो क्षेत्र होता है जिस जगह ये सभी चीज़ें हो रही होती है, देखिए गाँव में बड़े बुजुर्ग जो हैं, घर की जो बड़ी महिलाएं होती हैं, माँ पिताजी होते हैं, सभी मना करते हैं, अखाड़ा के समय में कभी भी कहीं जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि नहीं आज के दिन आपको वहाँ नहीं जाना है। बड़े लोग जाते हैं, पूजा चढ़ा के चले आते हैं, वो भी रुकते नहीं है जल्दी, जिनको बहुत अधिक जानकारी हो वही रुकते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कैसे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, या किन्हीं को दिखाना सुनाना होता है तो विषय अलग हो जाता है। तो कभी भी आप, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि जिस जगह में नकारात्मक सकारात्मक या किसी भी प्रकार के शक्तियों के द्वारा बहुत अधिक प्रक्षेपण एक दूसरे के ऊपर किया जा रहा हो, ऊर्जा को शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा हो, उस क्षेत्र में भी आप स्थिर होकर के पार हो जाएगा। अगर दिव्य शक्तियों की कृपा आपके ऊपर में होगी, आपका कोई बाल ना उखड़ पाएगा, कुछ ना होगा,
भले प्रत्यक्ष रूप से आपको कोई दर्शन ना हुआ हो, कुछ ना हुआ हो, लेकिन उस क्षेत्र में आपके साथ कुछ नहीं होगा। मेरे अपने जीवन का निज अनुभव है, मैं ऐसे क्षेत्र में जाकर के आया कि मेरे साथ चार व्यक्ति थे, मैं काफी, हालांकि कम उम्र का था उस समय में, काफी कम आयु थी, चार व्यक्तियों के ऊपर इस प्रकार की तंत्र हुई उस क्षेत्र में। वो पूरे इलाका जो है एक तरीके से आप उसको दूसरा मयूंग ही मान लो, जादुओं और तंत्र मंत्र के अधिष्ठात्राओं को, मुझे जबकि जानकारी नहीं थी, अनजाने में ही मैं उस क्षेत्र में गया था, वहां जाके पता चला कि ऐसा होता है। उन चार व्यक्तियों की स्थिति इतनी खराब हो गई, चारों कोई का पेट झड़ते झड़ते हालत खराब, डिसेंट्री इतनी हो रही थी, चल नहीं पा रहे थे, मतलब 2-3 घंटे में उनकी हालत खराब हो गई, पानी चढ़वाना पड़ा, सब कुछ हो गया। लेकिन वहां मैं इतने कम आयु का था, मुझे एक छींक तक ना आई उस जगह में, उस क्षेत्र में, मैं बिल्कुल सही सलामत वहां से चलाया। उस समय मैं कोई विशेष बहुत साधना नहीं करता था, लेकिन जगदम्बा की सेवा सामान्य करता था। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये तो मैं उसके बाद इस विषय को मैंने देखा है कि जिसके ऊपर भी शक्तियों की प्रथम कृपा होती है, तो वह किसी भी ऐसे क्षेत्र में चले जाए, उसके ऊपर तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, वो शक्ति पूर्ण रूप से रक्षा करती हैं, अपने बच्चे की पूर्ण रूप से रक्षा करेगी। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, जब कभी भी किसी भी ऐसी जगह से आप गुजरेंगे जिस जगह में नकारात्मक ऊर्जा या किसी शक्ति का उतारा इत्यादि रखा गया है, आप इस चीज को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। चौक चौराहे पे अमावस्या के समय, किसी पूर्णिमा के समय, किसी विशेष दिन में, काली अमावस्या, चौदस की रात्रि हुआ, या आप किसी ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे हैं जहां किसी की उतारा सर से उतार के रखा गया है, दिया इत्यादि जलाया गया है, किसी प्रकार के पुतला तंत्र इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, वैसे क्षेत्र खराब है, तो जब भी आप वहां से गुजरेंगे आपके ऊपर अगर शक्ति की कृपा होगी तो दो काम होगा। पहला तो उस समय में उस क्षेत्र में, यह एक निज अनुभव की बात है, उस क्षेत्र में जब आपके सामने वो चीज आने वाली होगी, गलती से जैसे वाहन से जा रहे हैं आप, कहीं लांग ना दें, आपका पैर ना पड़ जाए, तो काफी तेज जो है वहां पे किसी पशु पक्षी की आवाज आती है, यह एक चीज ध्यान देने वाली बात है। आपको लगेगा जैसे कोई बहुत जोर से कोई चील कहीं चिल्लाया, कोई रोया, इस प्रकार की आवाज आएगी, वो संकेत मात्र है उस शक्ति का, जिनकी कृपा आपके ऊपर है। या कुत्ता बहुत जोर से क्या करेगा, मतलब आपका ध्यान आकर्षण होगा उस ओर कि भाई देखो सामने कोई चीज है, आकर्षण किया जाएगा उस जगह कि वो चीज आप लांघना चाहो। और उसी जगह में अगर वो नहीं, तो ध्यान दीजिएगा बिल्ली रास्ता काट देगी, कुछ ऐसा घटना वहां आसपास में होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कि आपका ध्यान उस ओर जाएगा कि अरे मुझे वहां ध्यान रखना है, यह चीज होगी। दूसरा यानी तंत्र से बचाव हो जाएगा। तीसरा जो होगा वो सबसे दिव्य और सबसे अच्छा होता है, और इसी को कोई साधक जो है संभाल नहीं पाता है, वो होता है स्वप्न के माध्यम से किसी भी आने वाली घटना का पूर्वाभास हो जाना, आपको संकेत मिल जाना। और इसी को जब 2-4 बार होता है तो हम प्रसन्न होकर सभी से बोल जाते हैं कि अरे मुझे तो ऐसा पता था, अरे ऐसा देखो हो गया, और वहीं हम अपना सारा खराब कर लेते हैं, जिसको कि मैंने अलग अलग वीडियोज में समझाया है, 2-3 वीडियोज हैं इन विषयों पर कि स्वप्न में देवी जब दर्शन देती हैं तो क्या होता है, स्वप्न में अगर मंत्र ये जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या होता है स्वप्न में, अगर किसी क्षेत्र में आपको लेके जाया जा रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इन सब विषयों से संबंधित अलग अलग वीडियो चैनल पे आप सुनिए, समझिए और देख के चलिए आगे कैसे क्या करना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर घटना अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल में कहीं ना कहीं वही होता है, इसलिए समझना चाहिए। तो यह तीन तो पहले प्रमुख हो गए कि इस 3 प्रकार की घटना से आपकी होगी। इनके सिवाय आपका कोई अहित करना चाहता हो तो आप एक और अनुभव करेंगे कि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति आज आपके लिए अच्छा था, कल को अगर वो आपके लिए बुरा सोच रहा है, तो वो शक्ति ऐसी कृपा करती हैं कि जब भी आप उनसे मिलेंगे, उनको मिलने के साथ ही आपके शरीर की एनर्जी ऊर्जा जो है डाउन हो जाएगी, आप नकारात्मक हो जाएंगे उसको लेकर के। अगर बार बार किसी व्यक्ति के साथ मिलने से ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहा है, आपके मान सम्मान, आर्थिक या सामाजिक हानि का वो कारण बनने वाला है, और वो शक्ति कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क के माध्यम से वो संकेत दे रही है, आपके मस्तिष्क में यह संकेत, यह विचार दे रही है बार बार कि जैसे सावधान और सजग हो जाओ। चूंकि आप कोई बहुत बड़े साधक नहीं है कि किसी शक्ति को प्रत्यक्ष कर लिए कि वो आपको सामने आके बताएगा कि यहाँ देखो ऐसा हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सीमा में रहते हुए जब कोई शक्ति आपके ऊपर कृपा करती है तो इन माध्यमों से इस प्रकार से आपको हर जगह आपकी रक्षण करती है, आपको हर प्रकार से बचाती और रोकती है। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार से आप अपने जीवन में इन चीजों को देख करके समझेंगे कि शक्ति की कृपा अभी तक आपके ऊपर हुई है अथवा नहीं हुई है। इसके सिवाय भी अन्य और भी विषय हैं, उन सभी विषयों को आगामी वीडियोस में साझा करेंगे। तब तक के लिए जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।